हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनू। आज मैं आपके लिए काफ़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। आप लोग का रिजल्ट्स निकल चुका है, रिजल्ट आ चुका है, तो आप लोग अपने रिजल्ट की लिस्ट देख सकते हो, ठीक है। तो कौन से डिपार्टमेंट के कौन से अलग वाले, जिसकी देखो इसमें काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, काफ़ी अलग सारे पोस्ट हैं यहाँ पे। तो हर एक पोस्ट की, जैसे मैंने आपको कहा था कि फायरमैन का, ये सब लोग का अलग अलग दिन का पे ही रिजल्ट आएगा, सबका साथ में यहाँ पे रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एक वहाँ पे एक डिपार्टमेंट का एक अलग से जिसका अलग पोस्ट है, उसका यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। तो उसके रिजल्ट की मैं आपको लिस्ट दिखाने वाली और एक थोड़ा सा खास बात और बताने वाली अपने लाइव वीडियो के एंड में। तो मेरा वीडियो एंड तक आप जरूर देखिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हम लेटेस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखना है। ये रिजल्ट्स कल ही आ गया था, बट एक्चुअली कैसा था, कल मैं ऑलरेडी बहुत बिजी थी, इसलिए मैंने आज ये वीडियो आपके लिए बनाया है। बहुत सारे बच्चे, वो भी मुझे ऐसा लगा कि सर वो एटलीस्ट देख ही लिए होंगे, पर कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया कि मैम हम लोग को नहीं पता चल रहा है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आज तो वीडियो उनको बना के देना ही पड़ेगा रिजल्ट आउट्स का। मैं काफ़ी बिजी थी इसलिए मैं नहीं बना पाई थी कल। तो जिन लोगों ने अपना रिजल्ट्स नहीं देखा है, वो अपने तरीके से अच्छे तरीके से पूरा लिस्ट में आप अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए, आपका देख लीजिए कि आपका उसमें रोल नंबर आया है कि नहीं आया है। अगर आपका रोल नंबर उसमें आया है तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे सिलेक्शन पक्का हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी डिटेल्स मैं आज आपको देने वाली हूँ। तो अच्छे तरीके से मेरा वीडियो आप एंड तक देखिए और प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं लिस्ट पर। आप ये लिस्ट यहाँ पर देख रहे हो, ये फायरमैन का रिजल्ट आया है। मैं आप सबको बता देती हूँ, जो फायरमैन की पोस्ट थी, यहाँ पे फायरमैन का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट टू लास्ट वीडियोस में, एक बार प्रीवियस वीडियोस में एक बार मैंने कहा था कि हर एक पोस्ट के अलग अलग दिन रिजल्ट आएगा। आज फायरमैन, सॉरी कल ही फायरमैन के रिजल्ट आ चुके हैं, तो अब दूसरे डिपार्टमेंट जो भी दूसरी पोस्ट होगी, अब उनके रिजल्ट भी आना स्टार्ट होगा। तो पहले तो जिसका रिजल्ट आया उन पर बात करते हैं, फिर जिसका अभी तक नहीं आया उन पर मैं थोड़ा सा आप वीडियोस एक नया बाद में बनाने वाली हूँ। तो आप ये वीडियो देख सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा है AOC रिक्रूटमेंट क्वालिफाइंग लिस्ट ऑफ सिविलियंस इन यूनिट्स ऑफ साउथर्न कमांड पोस्ट फायरमैन, ठीक है। तो ये फायरमैन की लिस्ट है, जो लोग क्वालिफाई हो चुके हैं। आप अपना रोल नंबर देख लीजिए, मैंने वीडियो कहाँ पर पॉज किया है, ठीक है, आप चेक कर लीजिए अपना रोल नंबर। अगर इसमें आपका रोल नंबर है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का है, ठीक है। तो ये आपके रोल नंबर से अच्छे तरीके से चेक कीजिए, और जिसके रोल नंबर यहाँ पे नहीं है उनको भी थोड़ा सा देखो। कोई भी चीज़ जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक बहुत मेहनत करो। जब एग्ज़ाम हो चुका है तो उसके बाद सैड होके टाइम वेस्ट करना, थोड़ा खुद को भी तकलीफ़ देना, ये सब मत करो, ठीक है। अब अगर किसी का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनको सैड होने की ज़रूरत नहीं है, उनकी मेहनत कहीं ना कहीं एटलीस्ट दूसरी जगह वर्क जरूर करेगी। तो बस मेहनत करते रहो और अच्छे से स्ट्रगल करते रहो, कहीं ना कहीं सक्सेस आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मैं आपको थोड़ा सा बताने वाली हूँ, पहले आप अपना रोल नंबर देख लीजिए, बहुत ही छोटा सा एक ही पेज का है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे वीडियोज़ को थोड़ा सा ये किया है, आप चाहिए तो पॉज करके पूरा देख लीजिए, चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत लोग को लिस्ट नहीं मिल रही, तो आप क्योंकि एक्चुअली ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम जा रही है, इसलिए मैंने लिस्ट लाया। अच्छे से अपना लिस्ट देख लो, रोल नंबर देख लो। जिन बच्चों ने अपना रिजल्ट्स नहीं देखा, अच्छे से प्रॉपर तरीके से आप अपना रिजल्ट्स यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया है आपका, जिन बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे हो चुका है, ये मैं उनकी बात करी, यहाँ पे उनका सिलेक्शन हो चुका है। अब ये तो आ गया हमारा सिलेक्शन रिजल्ट का, ठीक है, ये आपका क्या आ गया है, रिजल्ट आ गया है। अब दूसरी बात मैं ये बता देना चाहती हूँ, अब तो रिजल्ट आ गया, अब इसके बाद क्या, क्या आपका सिलेक्शन हो गया, क्या जॉब मिल गई आज ही के दिन से, नहीं। अब इसके बाद एक छोटा सा प्रोसेस होगा DV का, ठीक है, आपको मेल कर दिया जाएगा, चाहे आपको पर्सनल मैसेज, जैसे पर्सनल मैसेज मेल दोनों आता है, मेल स्पेशली दिया ही जाता है, ठीक है। मेल पे आपको अब एक डेट आएगा, प्लीज़ अच्छे से सब लोग सुनिए, मेल पे आपको एक डेट आ जाएगा कि इस डेट को आपको ये DV है, ये स्पेस पे, ये वेन्यू है, यहाँ पे आपको आना है, ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दिन है, वहाँ पे आपका DV का प्रोसेस होगा। छोटा सा एक स्मॉल टाइप के, थोड़े से बोलते हैं ना, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉर्मली सा, बहुत कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, बस उतना करने के बाद अब आपका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का हो जाता है। उसके बाद आपका फिर बता देते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग डेट यहाँ से ये डेट को है,
ठीक है, अभी ये एक छोटा सा प्रोसेस बाकी है फ्रेंड्स, तो ये प्रोसेस आपको पार करना है। आपका इसमें सिलेक्शन हो गया, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें किसी का मतलब ऐसा कैंसिल नहीं करते, बट एक दो लोगों का करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंट अगर प्रॉपर्स आपका नहीं है तो इसमें कर देते हैं। ऑलरेडी आपको DV की डॉक्यूमेंट का सारी इन्फॉर्मेशन है, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट है, आप लोग आज मुझे कमेंट्स करोगे कि आपको अगर DV का पूरा प्रोसेस फिर से जानना है, समझना है, तो आज आप मुझे कमेंट्स करोगे। ज़्यादा बच्चों का कमेंट्स यहाँ पे रहेंगे तो मैं DV का एक प्रोसेस बता दूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास अभी आज बहुत वीडियोस है बनाने के लिए, क्योंकि कल ऑलरेडी मैं काफ़ी टायर्ड थी, इस वजह से मैं नहीं बना पाई, तो दूसरे डिपार्टमेंट्स की बहुत सारे अलग वीडियोज़ बनाना है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो मैं आपको पूरा DV का प्रोसेस समझा दूँगी, क्योंकि DV में क्या क्या डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ रह जाता है तो आपको वहाँ पे कैंसिल कर दिया, क्योंकि एक दो लोग को इसमें भी निकाला ही जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है कि इसमें रख ही लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता, एक दो पर्सन को निकाला ही जाता है। तो ठीक है, आज आपने अपना लिस्ट देख लिया, रिजल्ट देख लिया, आप DV के लिए फटाफट प्रिपेयर हो जाइए। DV की डेट आपकी अप्रॉक्सीमेटली आज डेट है 17 नवंबर, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 17 के बाद अब जो नेक्स्ट वीक आएगा दैट मीन्स 24 नवंबर तक आपको मेल वगैरह आ जाएगा कि इस डेट को आपका DV का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मतलब एंड ऑफ नवंबर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट मतलब आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये डेट आने के चांसेस है, नवंबर के एंड ऑफ वीक में आपका ये DV का प्रोसेस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन, एक नया एडवाइस और एक नया सजेशन के साथ में। अगर किसी का कुछ भी डाउट्स हो, रिजल्ट को लेके, DV को लेके, किसी चीज़ को भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे चैनल पे कमेंट्स कीजिए। ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लिए पूरी हेल्प के लिए यहाँ पे है, तो पूरी हेल्प का फ़ायदा उठाइए, जस्ट बिकॉज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।